अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मटन पाई का सालन बहुत ही आसान तरीके से। सर्दियों और बारिश में अक्सर ये खाया जाता है, इसकी तासीर गर्म होती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 4 पाए, इसे अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसे गलाएंगे प्रेशर कुकर में। इसमें ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। 2 ग्लास पानी डालकर इसे मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर और 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि पाई अच्छे से गल जाए। और तब तक देखते हैं कुछ मसाले। इन मसालों को मैंने पहले से ही ड्राई रोस्ट करके रख लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया, 4 टेबलस्पून खसखस और 25 ग्राम खोपरा सूखा नारियल। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर इसे ड्राई रोस्ट कर ले और इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। और देखते हैं ग्रेवी के लिए कुछ मसाले। इसमें 100 ग्राम दही, हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 1 टीस्पून कलौंजी, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और तड़के के लिए 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून शेजवान चटनी स्पाइसी बनाने के लिए, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। कुछ खड़े मसाले, 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के पीस, 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा। 25 मिनट हो गए हैं और मैंने गैस का फ्लेम बंद करके कुकर भी ठंडा हो गया है। अब हम देख लेते हैं पाए, चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसका मसाला बनाते हैं। पैन को अच्छे से गरम करें और इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, फिर ऑयल गरम होने के बाद कलौंजी और खड़ा मसाला, फिर 1/4 टीस्पून मेथी दाना, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और लो फ्लेम पर इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर और 1 टेबलस्पून पानी ताकि मसाले जले नहीं, और इसे मिला लेंगे इस तरह से। फिर इसमें ऐड करते हैं वो पिसा हुआ मसाले का पेस्ट, फिर इसे मिलाकर इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर और हरा धनिया, गरम मसाला पाउडर, दही और मिक्स कर लेंगे। ये शेजवान चटनी भी डाल देते हैं और सॉल्ट और मिला लेंगे। इसे हमें तेल छूटने तक अच्छे से भूनना है 5 से 7 मिनट तक। देखिए तेल भी सरफेस पर आ गया और मसाला भी अच्छे से पकने लगा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालती हूँ मटन पाए और सूप भी डाल देंगे और इसे मिलाकर तरह से इसे कवर करके 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि पाए और मसाला अच्छे से पक जाए। देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, तेल भी सरफेस पर आ गया और इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे पानी ग्रेवी के लिए और गैस का फ्लेम हाई कर लें। ये ग्रेवी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है और ये पाए का सालन जो होता है ये पतला ही होता है। इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक अच्छा से सालन को पकने देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे।
है, तेल की तरी भी ऊपर आ गई है और मसाला भी, सालन हमारा बनकर तैयार है। इसकी ग्रेवी देखिए और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, हमारा पाए का सालन बनकर तैयार है। बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बना है। बढ़ती उम्र के बच्चों को और जैसे कमर दर्द, घुटनों के दर्द की जिन्हें शिकायत होती है, ऐसे लोगों ने ज़रूर ज़रूर खाना चाहिए। आप इसे नान, पराठे या चपाती के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। नान बनाने की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो जल्द से जल्द ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।